हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको मार्केट में ये दोनों फ़ोन रेडमी K20 प्रो एंड रियलमी एक्स बहुत ही ज़्यादा धूम मचाए हुए दोस्तों। तो इस दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि रेडमी K20 प्रो VS रियलमी एक्स के बारे में। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहो दोस्तों, फुल्ली कंपेरिजन आपको इस वीडियो में मिलेगा। और दोस्तों, प्राइस से लेकर रिलीज डेट कब होने वाला रेट इंडिया में, तो चलिए दोस्तों थोड़ी सी इंट्रो के बाद ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छा लगा वीडियो तो, और लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताना दोस्तों आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, या फिर आपका मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा या नहीं तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करते हैं। तो रियलमी एक्स और दोनों फ़ोन रेडमी 9.05 पे वर्क करने वाला है, काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम देने वाला दोस्तों, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का। और दोस्तों, इस फ़ोन की वेट की बात करें तो रियलमी एक्स और रेडमी K20 प्रो का 191 ग्राम यानी 191 ग्राम दिया गया फ़ोन का वेट दोस्तों, ये भी ठीक ठाक है। और दोस्तों, डिस्प्ले टाइप यानी कलर्स में बात करूँ तो कलर एमोल्ड स्क्रीन 16 mm रियलमी एक्स दिया गया दोस्तों, और जो मी रेडमी K20 प्रो का जो सुपर एमोल्ड डिस्प्ले स्क्रीन दिया गया दोस्तों, तो यहाँ रेडमी K20 प्रो काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों, स्क्रीन साइज की बात कर ले तो रियलमी एक्स 6.53 इंचज का स्क्रीन दिया गया, और उसका रेजोल्यूशन जो है 1080x2340 पिक्सल्स का वहाँ, और रेडमी K20 प्रो 6.39 इंचज का डिस्प्ले दिया, 1080x2340 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन दिया गया। तो यहाँ पे रियलमी एक्स का स्क्रीन काफ़ी अच्छा है और दोनों बेहतर है, लेकिन जो रियलमी एक्स का है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। और एस्पेक्ट रेशियो की बात कर लेते तो दोनों का एस्पेक्ट रेशियो सेम दिया गया दोस्तों, 19:5:9 का। और PPI की बात कर लेते तो रियलमी एक्स 394 PPI दिया गया, और रेडमी K20 प्रो का है जो 403 PPI। तो यहाँ पे स्क्रीन का जो PPI है रेडमी K20 प्रो का काफ़ी बेहतर है रियलमी एक्स थ्रू दोस्तों, तो यहाँ पे रेडमी K20 काफ़ी अच्छा है। और फीचर्स में बात करें तो दोस्तों, जहाँ रियलमी एक्स में क्रोनिंग गोरिल्ला ग्लास V5 का 100% NTSC कलर्स गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन दिया गया दोस्तों, वहाँ रेडमी K20 प्रो का क्रोनिंग गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन सिर्फ दिया गया, यहाँ पर रियलमी एक्स थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। नॉच दोनों में नहीं दिया गया दोस्तों, तो फिलहाल यहाँ पर रियलमी एक्स ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों, मेमोरी की बात करें तो रैम इसमें रियलमी एक्स में 4 GB दिया गया दोस्तों, वहाँ पे रेडमी K20 प्रो में 6 GB दिया गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। स्टोरेज में आपको रियलमी एक्स 64 GB दिया गया, और रेडमी K20 प्रो में 128 GB, तो दोनों में बेहतर रेडमी K20 प्रो है। और कार्ड स्लॉट के जरिए आप रियलमी एक्स में 256 GB तक कर सकते हैं, लेकिन रेडमी K20 प्रो में आप नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है रेडमी K20 प्रो, लेकिन बेहतर है 128 GB भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन दोनों में से बेहतर जा भी रियल मी अच्छा है। और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते तो GPS दिया गया दोस्तों दोनों फ़ोन में, और फिंगरप्रिंट सेंसर्स की बात कर लें तो दोनों डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया दोस्तों, फेस अनलॉक भी दोनों फ़ोन में दिया गया। सेंसर्स की बात करें तो रियल मी एक्स में E-Compass, लाइट सेंसर्स, प्रोक्सिमिटी सेंसर, ग्रेविटी सेंसर्स और एक्सेलेरोमीटर सेंसर दिया गया, लेकिन रेडमी K20 प्रो में यहाँ पे लाइट सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, ये 3 सेंसर दिया गया दोस्तों। यहाँ पे रियल मी एक्स बहुत अच्छा सेंसर्स के मामले में दिया गया दोस्तों, लेकिन रेडमी K20 प्रो पीछे थोड़ा सा रह गया है। तो दोस्तों, डिफरेंस तो है, लेकिन यहाँ रियलमी एक्स ज़्यादा अच्छा है। आप भी कमेंट करके बताना दोस्तों कौन आपको फ़ोन पसंद है, कमेंट में जो भी आपको लगे कमेंट में ज़रूर आप बोलना। आगे बात करते हैं कैमरा की बात करें तो रियर कैमरा आपको रियलमी एक्स में 48 MP जिसका अपर्चर 1.7 वाइड एंगल दिया गया दोस्तों, और 5 MP जिसका अपर्चर 2.4 डिप्थ सेंसर विथ आउटो फोकस के साथ दिया गया दोस्तों। वहाँ पे रेडमी K20 प्रो जो 48 MP जिसका अपर्चर F1.8 वाइड एंगल के साथ दिया गया, 13 MP F2.4 वाइड अल्ट्रा वाइड के साथ, 8 MP जिसका अपर्चर 2.4 टेलो फोटो विथ आउटो फोकस। यहाँ पे दोस्तों साफ आपको दिख रहा है, यहाँ रेडमी K20 प्रो काफ़ी हद तक अच्छा कैमरे के मामले में दिया गया दोस्तों,
जहाँ रियलमी एक्स थोड़ा सा कम दिया गया, लेकिन यहाँ रेडमी के 20 प्रो ज़्यादा स्कोर प्राप्त करने वाला दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा रेडमी के 20 प्रो का कैमरा आपको, जो रियर कैमरा होने वाला, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और मेन कैमरा की भी बात कर लेते हैं तो, और दोस्तों फ्रंट कैमरा के रियलमी एक्स का जो पॉपअप सेल्फी आपको दिया 16 MP का, जिसका अपर्चर 2 दिया गया दोस्तों। और रेडमी के 20 प्रो का जो पॉपअप 20 MP फ्रंट कैमरा है, जिसका अपर्चर भी 2 दिया गया। तो दोस्तों कैमरा में भी यहाँ पे रेडमी के 20 प्रो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग का जो रियलमी एक्स का 1080p एट 30 FPS फुल HD के साथ आपको करने वाला दोस्तों। और रेडमी के 20 में 1080p 30 FPS के साथ फुल HD ये भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी अच्छा हेल्प मिलने वाला दोस्तों। तो आगे और बात कर लेते हैं, और दोस्तों फ्रंट कैमरा की रिकॉर्डिंग की बात करें तो रियलमी एक्स 2K 30 FPS के साथ क्वेड कोर वीडियो 1080p 30 FPS के साथ आपको फुल HD 720p 960 FPS के साथ 80 आपको 2K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ से। और रेडमी के 20 प्रो में भी 2K 30 FPS 60 FPS क्वेड कोर और 1080p 120 और 240 30 FPS के साथ फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला दोस्तों। तो यहाँ पे रेडमी के 20 का वीडियो रिकॉर्डिंग रियर कैमरा से काफ़ी हद तक अच्छा होने वाला दोस्तों। और फ्लैश तो आपको दोनों में दिया गया है, लेड फ्लैश रियर कैमरा में, फ्रंट में तो आपको पॉपअप सेल्फी मिलने वाला है। और दोस्तों बैटरी की बात करें तो रियल मी एक्स में नॉन रिमूवेबल बैटरी दोनों में दिया गया दोस्तों। लेकिन बैटरी साइज़ की बात करें तो 3765 mAh आपको रियल मी एक्स में दिया गया है लियाइन का बैटरी, और रेडमी के 20 प्रो में 4 mAh के। यहाँ पे बैटरी में भी काफ़ी के 20 प्रो आगे चल रहा है दोस्तों। फास्ट चार्जिंग की बात करें तो रियल मी एक्स 20W Hawk 3.0 और रेडमी के 20 प्रो क्विक चार्जिंग 4+ का दिया गया। तो यहाँ पर चार्जिंग में भी काफ़ी हद तक अच्छा है दोस्तों। वायरलेस चार्जिंग रेडमी के 20 प्रो में नहीं दिया गया, लेकिन रियलमी एक्स में दिया गया है। तो ये बात थोड़ा सा रियलमी एक्स के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो बता दें, रियलमी एक्स दोनों एंड्रॉयड V9.0 पे वर्क करने वाला चिपसेट आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 का रियलमी एक्स में दिया गया दोस्तों, और के 20 प्रो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का। तो यहाँ पे प्रोसेसर में भी काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा है। और CPU की बात कर लेते तो 2.2 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और यहाँ रेडमी के 20 प्रो में 2.84 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे रेडमी के 20 प्रो ज़्यादा स्मूथ आपको ये वर्क करने वाला फ़ोन दोस्तों। और कोर डिटेल्स के बारे में बताते तो रेडमी एक्स जो है 2x2.2 GHz कोर, 470 Gold एंड 6x8 GHz कोर, 470 Silver और 1x2.84 GHz कोर 485 का दिया गया प्रोसेसर। रेडमी के 20 प्रो में 6 GHz कोर 485 एंड 4x1.0 GHz कोर 485 का डबल प्रोसेसर दिया गया दोस्तों। प्रोसेसर में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया दोस्तों, दोनों सेम ही हैं, लेकिन ज़्यादा रेडमी के 20 प्रो ज़्यादा स्मूथली रन करने वाला है दोस्तों। तो आगे और मैं प्राइस और रिलीज डेट के बारे में बता देता हूँ। हाँ दोस्तों कंपैरिजन तो मैं प्री वीडियो में कर दिया, तो स्पेस स्कोर्स के बारे में बात कर ले तो थोड़ा, तो रियलमी एक्स को आपको 100 में 82 दिया गया है और रेडमी के 20 प्रो में 100 में 89। तो आप समझ सकते हैं रेडमी के 20 प्रो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा पैसा लगाने की ज़रूरत है तो थोड़ा सा पैसा लगा कर आप बेहतर फ़ोन लें। और दोस्तों मैं प्राइस के बारे में बात कर लेता हूँ उसके बाद। हाँ तो दोस्तों प्राइस है रियलमी एक्स का 15,999 रुपया और रेडमी के 20 प्रो का जो है 29,999 रुपया। तो दोनों में आपको फ़ोन कौन सा पसंद है आपको कमेंट में ज़रूर करके बताना दोस्तों। आपको दोनों का स्कोर बता दें थोड़ा सा, 15,999 यानी 16,000 में आपको फ़ोन काफ़ी हद तक रियलमी एक्स भी अच्छा मिल रहा है, और रेडमी के 20 प्रो लेने के लिए आपको 29,999 रुपया यहाँ पर बहुत हद तक अच्छा आपको फ़ोन मिलने वाला। तो दोस्तों दोनों फ़ोन काफ़ी अच्छा है, तो चलिए वीडियो में लास्ट तक देखने के लिए।